नमस्कार, आज हम बनाएंगे कोशिंबीर दही ककड़ी का सलाद। कोशिंबीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक ककड़ी। इसका ऊपर का छिलका निकाल लेंगे और अच्छे से धोकर इसको कद्दूकस कर लेंगे। हमें चाहिए प्याज, इसे भी बारीक काट लेंगे। टमाटर बारीक काटेंगे और हरा धनिया बारीक काट लेंगे। हरी मिर्चें और थोड़ा लहसुन भी बारीक काट लेंगे। अब सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ खीरा या ककड़ी लेंगे। इसमें मिलाएंगे प्याज बारीक कटा हुआ, फिर मिलाएंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दही। अब इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और काली मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम तैयार करते हैं तड़का। तो तवे पर थोड़ा तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे 1 मिनट के लिए तेल में भून लें। अब ये तड़का हम इस कोशिंबीर में डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। लीजिए, रेडी है बहुत ही स्वादिष्ट कोशिंबीर। इसे आप ऐसे ही ठंडा परोस सकते हैं। इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कुक विद पूर्णिमा।